व्हाट इज एन आइडियल कैपिटल टू एंटर मार्केट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में भी और ऑप्शन सिनेरियो में भी और फ्यूचर सिनेरियो में भी, कि मतलब मिनिमम इतना कैपिटल हो तो आप इस गेम में घुसो। देखो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभिषु आपने किया। मैं देखो, मैं सच बताता हूँ क्योंकि मैं रियल ट्रेडर हूँ, ठीक है ना, और मेरी जर्नी बड़ी लंबी रही है और मैंने अपने लाइफ में पहले बताया सब कुछ मैंने ट्रेडिंग से बनाया है और जर्नी बड़ी अप्स एंड डाउन रही है। आप ये समझ लो छोटे कैपिटल से जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लेके आते हैं बाजार में, उनको बाजार से दूर रहना चाहिए। पहली बात तो ये आप समझ लो, ये छोटे कैपिटल का गेम ही नहीं है। आपका पूंजी टोटल 5 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए चले गए। अब आप न मम्मी से बात कर रहे हो, न पापा से बात कर रहे हो, न भैया से बात कर रहे हो, न किसी से बात कर रहे हो। मेरे पास डीएम करते हैं, मम्मी से लिया था लोन, लिया था क्रेडिट कार्ड का लोन था, ये व्हाट नॉनसेंस। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, कितने मैनिपुलेटर बाजार में आ गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। जितने भी बच्चे हैं 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चे हैं, वो सब मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। अब लेकिन अब किया क्या जाए यार, छोटे कैपिटल का गेम ही नहीं है रियली में। तो मैंने भी पैसा बनाया, मैं अपने जेब से 1 रुपया नहीं लगा, मेरे पास था ही नहीं। मैं तो पहले पता, मैं प्रोप्राइटरी ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे फंड दो, आप इंटरेस्ट काट लो, आप भी प्रॉफिट कमाओ, हम भी प्रॉफिट कमाए, दोनों का हिस्सा कर लेते हैं, गाड़ी चल निकली तो चल निकली। तो छोटे कैपिटल से क्या है कि आप सीखने के लिए सीखो, लेकिन अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आप सोचो कि 5 लाख से 5 करोड़ बन जाएंगे, तो भाई वो ट्विटर पे ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होता।